कोविड 19 मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से नीट और जेई परीक्षा को टालने के लिए आखिरी कोशिश की जा रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ 6 राज्य के शिक्षा मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को परीक्षा कराने की अनुमति दी थी, लेकिन इस फैसले पर 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन सहित कई विपक्षी नेताओं ने ये परीक्षाएं फिलहाल स्थगित करने की मांग की थी। गौरतलब है कि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को है, जबकि जेईई की परीक्षा 1 से 9 सितंबर के बीच होनी है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान सरकारों के मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर नीट और जेईई एग्जाम को टालने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना की वजह से सरकार अभी एग्जाम कराने की स्थिति में नहीं है। एग्जाम के दौरान छात्रों को कोरोना हो सकता है और ये फैल भी सकता है। कई आईआईटी संस्थानों के निदेशकों ने कहा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट और जेईई परीक्षा में और देरी से शून्य शैक्षणिक सत्र का खतरा है। वहीं परीक्षा के स्थान पर अपनाए जाने वाले किसी भी त्वरित विकल्प से शिक्षा की गुणवत्ता कम होगी एवं इसका नकारात्मक असर होगा। कोविड 19 मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से दोनों परीक्षाओं को स्थगित करने की तेज होती मांग के बीच आईआईटी के निदेशकों ने विद्यार्थियों से परीक्षा कराने वाली संस्था पर भरोसा रखने की अपील की है। आईआईटी रुड़की के निदेशक अजीत के चतुर्वेदी ने कहा कि इस महामारी की वजह से पहले ही कई विद्यार्थियों और संस्थानों की अकादमिक योजना प्रभावित हुई है और हम जल्द वायरस को जाते हुए नहीं देख रहे हैं। हमें इस अकादमिक सत्र को शून्य नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इसका असर कई प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ेगा। आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक टीजी सीताराम ने कहा कि जेईई परीक्षा साल में 2 बार होती है और जो छात्र इस बार परीक्षा नहीं दे सकेंगे वे 6 महीने बाद परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। परीक्षा की तैयारी कर चुके विद्यार्थियों की मेहनत को ध्यान में रखते हुए ये ठीक होगा कि निर्धारित समय पर ही परीक्षा हो। परीक्षा कराने में देरी से विद्यार्थियों के साथ साथ आईआईटी पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा और वर्ष 2020 का सत्र बर्बाद हो जाएगा। गौरतलब है कि स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा 13 सितंबर को होनी है, जबकि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जेईई मेंस परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच कराने की योजना है। दोनों परीक्षाओं में क्रमशः 15,97,000 और 9,53,000 छात्र पंजीकृत हैं। दोनों परीक्षाएं कोविड 19 वायरस महामारी की वजह से पहले ही 2 बार स्थगित की जा चुकी हैं। जेईई मेंस परीक्षा पहले 7 से 11 अप्रैल के बीच होनी थी, जिसे स्थगित कर 18 से 23 जुलाई के बीच कराने की घोषणा की गई। इसी प्रकार नीट परीक्षा 3 मई को होनी थी, जिसे टालकर 26 जुलाई कर दिया गया। इसके बाद दोनों परीक्षाओं को एक बार फिर टाल दिया गया और अब सितंबर में ये परीक्षाएं होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के आंकड़ों के मुताबिक 17 लाख विद्यार्थी पहले ही इन दो परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।